सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। बिहार में दुनिया की सबसे महंगी सब्जी उगाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 16वीं सदी में एक मशहूर अंग्रेजी कवि ने इसका गुणगान अपनी कविता में किया था। वहीं 17वीं सदी में अंग्रेजों को इसके लिए एक कानून भी बनाना पड़ा। ये एक लोकप्रिय नशा और जानलेवा रोग की दवा भी है। अब आपको ये कहा जाए कि ये सारी बातें एक सब्जी के बारे में है तो आपको कैसा लगेगा? इससे भी ज्यादा हैरत में डालने वाली बात ये है कि इस सब्जी को बिहार में उगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हम हॉप शूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार में किसान इस सब्जी को उगा रहे हैं और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस फसल पर ध्यान दे तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी, तो उनकी आय 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकती है। हॉप शूट और इसका जो फूल होता है उसे हॉप कॉर्न्स कहा जाता है। बता दें आपको कि इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है, जबकि बाकी टहनियां खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। महंगी होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि हॉप शूट्स खाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। बता दें आपको कि हॉप शूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर भी किया जाता है। दांत के दर्द में ये काफी कारगर होता है। इसके अलावा टीबी जैसी गंभीर बीमारी में इसका इलाज बहुत फायदेमंद होता है। इसे एंटीबायोटिक के गुण में पाए जाते हैं। बता दें कि हॉप शूट को लोग कच्चा भी खाते हैं, हालांकि ये काफी कड़वा होता है। इसकी टहनियों का इस्तेमाल सलाद के तौर पर भी किया जाता है। इसका अचार भी बनाया जा सकता है, जो काफी स्वादिष्ट और फायदेमंद भी होता है। बता दें आपको कि हॉप शूट के औषधीय गुणों की पहचान सदियों पहले हो गई थी। करीब 800 ईस्वी के आसपास लोग इसे बियर में मिलाकर पीते थे और ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी खेती उत्तरी जर्मनी में शुरू हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी खूबियों को देखते हुए इंग्लैंड में इस पर टैक्स भी लगाया गया, साथ ही ये भी अनिवार्य कर दिया कि इसको बियर में जरूर इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका फायदा हर किसी को मिले। बता दें आपको कि मार्च से लेकर जून तक हॉप शूट्स की खेती के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इसका पौधा नमी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश मिलने से बहुत तेजी से बढ़ता है। कहते हैं कि एक ही दिन में इसकी टहनी 6 इंच तक बढ़ जाती है। इसकी एक और विशेषता है, शुरुआत में इसकी टहनी बैंगनी रंग की होती है जो बाद में हरे रंग की हो जाती है, और अब ये पौधा ये सब्जी बिहार में उगाई जा रही है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।